हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो एक बार दोस्तों फिर से आपके लिए नई वीडियो के साथ मैं मयंक पारिख, आपका टीचर, आपका दोस्त। तो दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बहुत ही टिपिकल सा बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाया है। लोगों को दिक्कत आती है कि जब उनको डैश फॉर्मूला दिया जाता है और कोई बोले कि इसका फिशर बना दीजिए, दोस्तों 90% सोल्यूशन आप पेपर में जब भी देखेंगे तो क्वेश्चन को हमेशा आपको फिशर में लाना पड़ता है। फिशर में लाने के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर कौन सा आएगा और लेफ्ट राइट में किसको रखना है, कैसे प्लेन में रोटेट करने से आंसर चेंज हो जाता है, कब नहीं होता। तो ये सब चीज़ों का जवाब है इस वीडियो में। तो दोस्तों ध्यान से बैठिए और 15 मिनट के लिए अपना ध्यान स्क्रीन पर लगा के रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि विदिन एक मिनट में आप किसी भी मॉलिक्यूल को खट से कंपेयर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फिशर के अंदर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कन्वर्जन वैज डैश टू फिशर। दोस्तों ये वैज डैश दिया हुआ है स्ट्रक्चर आपको, ओ एच डैश पर है, एच वैच पर है, एसिड और एमी सिंपल लाइन पर है। अगर इसका फिशर बोले तो फिशर ऐसा दिखता है। बात ये आती है कि बनेगा कैसे। देखिए वही वाली बात जो हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं, फंडू ट्रिक। फंडू ट्रिक में दोस्तों चार स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आप कैरल सेंटर मार्क करिए और उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। मतलब आपको वर्टिकल लाइन बनानी है और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी अकॉर्डिंग टू कैरल सेंटर। सेकंड स्टेप ये कि आप सबसे पहले एटम्स को या ग्रुप को प्लेस करिए वर्टिकल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पर जब भी आप प्लेस करेंगे तो कोशिश करिए कि प्रायोरिटी ग्रुप को आपको ऊपर लेके आना है। आप कोशिश करिए, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड स्टेप आती है दोस्तों, उसमें क्या करना होगा आपको, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैलेंसीज को बनाइए। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैलेंसी बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी डैश वाले को नहीं छेड़ना। मतलब जो डैश में दिख रहा है उसको उसकी जगह पर रहने दो और वैच को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। डैश को कभी भी हाथ नहीं लगाना। अगर आपको दिखता है कि मेरा डैश लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहने दो, वैच को राइट में ले जाओ। आपको दिखता है कि मेरा डैश राइट साइड में है तो उसको राइट में रहने दो, वैच को लेफ्ट में लेके चले जाओ। एक नीचे तो लिखा हुआ है, देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू प्लेस मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द टॉप इफ पॉसिबल। पॉसिबल हो तो रखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम आखिर में चेंज कर सकते हैं। ये चारों फंडू ट्रिक्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, वर्टिकल बनाइए कैरल सेंटर के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप प्लेस करो सारी की सारी वैलेंसीज को किस पे, वर्टिकल वैलेंसी को वर्टिकल पर रखो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल लेके आओ। ध्यान रखना है कि डैश को नहीं छेड़ना और वैच को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे। मैंने ये मॉलिक्यूल को दो पैटर्न में लिखा है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ प्लेन में तो मुझे ये मिल जाएगा, और इसलिए मैंने मेंशन भी किया है कि बोथ आर सेम। मतलब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों स्ट्रक्चर्स को, या ये बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर को रोटेट करा के भी स्टडी करेंगे और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ड्रॉ करते जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या सच में इसका इसका फिशर बनाने पर सेम आ जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर ओनली रोटेटेड इन प्लेन 180, मतलब एग्जैक्टली इसको घुमा के हम कहाँ ले आए, वहाँ ले गए। जस्ट अपोजिट आ चुका है, जस्ट अपोजिट आ चुका है, अपोजिट आ चुका है, देख पा रहे हैं आप। अच्छा दोस्तों, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट फिशर। फिशर में कैसे लेके जाना है, चलो ट्राई करते हैं। पहला स्टेप फंडू ट्रिक का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए अकॉर्डिंग टू कैरल सेंटर। देखिए मुझे कैरल सेंटर एक दिखाई देता है यहाँ पर, और यहाँ भी एक कैरल सेंटर दिखाई देता है, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन बनाई वर्टिकली बनाई हॉरिजॉन्टल, सेम यहाँ बनाया एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, सर्किल वाला कैरल सेंटर है। ओके दोस्तों, स्टेप नंबर टू की तरफ जाते हैं। प्लेस वर्टिकल लाइन वैलेंसीज फर्स्ट। स्ट्रक्चर में जो सिंपल लाइंस होती है ना, वेज और डैश नहीं, सिंपल लाइंस, मतलब एकदम जो प्लेन में शो कर रही है, सिंपल लाइंस पे जो दिखता है वो उनको कहाँ रखना है, वर्टिकल पे रखना है। देखिए, और हमने कहा था स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, टॉप से शुरू करना है। टॉप वाले को ऊपर रखा, इसको नीचे रख दिया, बीच वाला हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ हमें एमी दिख रहा था, हमने एमी को रख दिया। यहाँ एसिड दिख रहा, हमने एसिड को रख दिया। आगे बढ़ते हैं, ऑल वेज एंड डैश मस्ट बी प्लेस एट हॉरिजॉन्टल। वेज और डैश को कहाँ रखना है, हॉरिजॉन्टल पे रखना है, लेकिन साथ ही साथ लीव डैश एज इट इज़, मतलब डैश को जैसा है वैसा रहने दीजिए और वैच को पुश करके धक्का मार के उधर दूसरी तरफ ले जाइए। जैसे कि आप देखिए, एसिड और एमी को मैं ला चुका हूँ वर्टिकल पर, डैश मेरा राइट साइड में है और मुझे दिखता है कि ओएच मेरा क्या है, ये भी राइट साइड में है, तो इसको मुझे टच नहीं करना, इसको मुझे टच नहीं करना, सिर्फ ओएच जो सर्किल लगाया ना मैंने आपको, इस ओएच को क्या करना है, शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कैसे, एसिड एमी वर्टिकल में बना चुके थे
OH को हम लेफ्ट में ले गए, H को हमने राइट में रहने दिया। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को हम अगर उस साइड में देखें तो आप देखिए Me और एसिड, मतलब Me ऊपर एसिड नीचे, OH वैच पर है, OH को लेके उधर जाना है और डैश पे जो H है उसको छोड़ दीजिए, ऐसे कैसे शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन वे बन जाएगा। अभी तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों स्ट्रक्चर में, इसमें OH लेफ्ट में आया, इसमें राइट में आ रहा है, Me ऊपर है, एसिड नीचे है। दोस्तों स्ट्रक्चर आपके सामने दोनों के दोनों, और इनका जो रियल स्ट्रक्चर में बनाया फिशर में वो आपके सामने। इस स्ट्रक्चर को मैं रोटेट करा देता हूँ प्लेन में, मतलब प्लेन के अंदर ऐसे हाथ रखा, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, एंगल कितना 180 रोटेट करा रहे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर अब सेम हो चुके हैं। इसलिए मैंने मेंशन किया है कि बोथ आर सेम, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि किसी भी फिशर को उसके प्लेन में 180 पर रोटेट कराने पर फिशर चेंज नहीं होता, फिशर चेंज नहीं होता। अच्छा, कोई बोले कि आपको कैसे पता है कि दोनों सेम है, अपीयरेंस देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा दोस्तों, तो ये पहला एग्जांपल था जिसमें हमने एक कायल सेंटर को डील किया है। अगर क्या हो, कायल सेंटर मल्टीपल आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, तो क्या हो सकता है? एग्जांपल आपके सामने है, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, स्ट्रक्चर में आप देखिए कि लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इनटू फिशर, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों, पहला स्टेप होता है कि हमको कायल सेंटर काउंट करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना है। तो दोस्तों एक कायल सेंटर ये दिखता है, दूसरा मुझे ये दिखता है, तीसरा मुझे ये दिखता है, तीन कायल सेंटर है, एक दो तीन, समझ में आता है? ठीक है, पहला स्टेप हो चुका है। अगला स्टेप में हमको क्या करना होता है, वर्टिकल पे प्लेस करना है वर्टिकल वैलेंसीज को। तो दोस्तों जो ये दिख रहा है ना आपको सिंपल लाइन में, इनको ऊपर और नीचे रख दिया। स्टेप नंबर थ्री क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर थ्री बोलती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और हॉरिजॉन्टल वैलेंसी को प्लेस कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि डैश को हाथ नहीं लगाना और वेज को जहाँ पर है वहाँ नहीं रहने देना, अपोजिट लेके जाना है। तो देखिए ऑल वेज एंड डैश मस्ट बी प्लेस हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा क्या है कि डैश को वहीं छोड़ दीजिए और किसको, वेज को ले जाइए अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके। तो दोस्तों मैंने सर्किट लगा दिया है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि जो HHCL है ये सब किस पे है, वेज पे है। तो दोस्तों इनको पुश करके मुझे राइट में लेके जाना है और डैश वालों को मैं ही छोड़ दूंगा। आप फील ले सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये CO और ME ऐसे लाइन वर्टिकल है, सारे के सारे लेफ्ट में दिख रहे हैं। तो यानी CL को, इस CL को, इस H को जो डैश पर, उनको लेफ्ट में ही छोड़ दीजिए। CL और H लेफ्ट में है, और जो वेज पे दिख रहे हैं आपको, इनको मैं सबको राइट में ले आता हूँ। H को राइट में ले आया, H को राइट में ले आया और CL को राइट में ले आया। तो ये जो बन चुका है हमारा, ये कम्प्लीटली क्या है, फिशर है, जिसमें हमें सारे के सारे बैलेंसेज हमने हॉरिजॉन्टल में प्लेस कर दी अकॉर्डिंग टू उनकी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कोई बोले कि सर 180 में रोटेट कराओ, करा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ME ऊपर चला जाएगा और एसिड नीचे आ जाएगा, HHCL लेफ्ट में, CL और H राइट में, समझ में आता है? अच्छा, अब कोई बोले कि कैसे पता आपको कि ये दोनों सेम है, 180 पे जब भी रोटेट कराते हो तो वेज का वेज रहता है और डैश का डैश रहता है। आप प्लेन से पलटना, आपको प्लेन में पलटना अलाउड नहीं है। पलटना मतलब ऐसे समझिए आपको कि नोटबुक मैंने दिया आपको, फ्रंट साइड था, आपने पलट दिया, अब वो वाइट पेपर वाला साइड सामने आ गया, तो ऐसे करके आपने वेज से डैश कन्वर्ट कर दिया, या आप वेज को डैश पर ले गए। लेकिन जब आप नोटबुक को अंदर ही घुमाते हो ना प्लेन में रख के, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, आपने इसको घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, क्लॉकवाइज लेके जाओ या एंटी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 180 का रोटेशन फिशर में फिशर को चेंज नहीं करता, सिर्फ आपको क्या दिखेगा कि ऊपर वाला ग्रुप नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, लेकिन RS कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। और अगर दोनों के लिए RS सेम है तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, एक अगला एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। अभी तक जो मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए थे उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर को वर्टिकल प्लेस करके दिया था, अब हॉरिजॉन्टल अगर कोई दे दे तो क्या करा जाए? तो दोस्तों एक छोटा सा एनिमेशन है, थोड़ा ठीक से देखिएगा कि हमको सबसे पहले मॉलिक्यूल को कहाँ लेके आना है, वर्टिकल लेके आना है। देखिए ये मॉलिक्यूल को मैंने एंगल दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसे देखेगा, ये धीरे धीरे घुमा और सीधा ऐसे खड़ा हो गया, देख पा रहे हैं आप। और इस स्ट्रक्चर को अब इस तरह से डील करना है, और जो कि स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इस स्ट्रक्चर को हमने ये बनाया है। फिर से देखना चाहेंगे एक बार आप, तो देखिए घुमाया और ये बन चुका है। अब दोस्तों वही वाली बात, सबसे पहले क्या करना है, कायल सेंटर काउंट करो, कितने कायल सेंटर दिखते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और एक वर्टिकल बना देंगे।
तो इससे क्रॉस होकर पांच कार्य सेंटर दिखेंगे, फिर उसके बाद वर्टिकल पे प्लेस करो किसको, इन दोनों को, ओरिजेंटल लेके आओ किनको, इन बैलेंसीज को कैसे लाना है, डैश को जहाँ दिखता है, जैसे अब आप देखिए यहाँ आपको एच ये फ्लोरिन, ये हाइड्रोजन और क्लोरिन दिखता होगा कि सर ये तो लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। तो जो लेफ्ट राइट आपको दिख रहे हैं ना वह जो डैश, बस उनको पलट दो, लेफ्ट वाले को राइट में ले आओ, राइट वाले को लेफ्ट में ले आओ, बाकी सब कुछ यही है, एग्जैक्टली यही बनने वाला है। स्टार्ट करते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू कलर सेंटर, बताया मैंने आपको पांच कलर सेंटर है, 1 2 3 1 2 3 4 5 बन गए पांच कलर सेंटर। इसके बाद प्लेस करो किसको, वर्टिकल वैलेंसीज को, ये एसिड और ये एमी देख पा रहे हैं, इनको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, एसिड एमी ऊपर आ गए, ठीक है। अच्छा अब अगले स्टेप क्या आती है, हॉरिजॉन्टल प्लेस करना, यही ट्रिक है और यही गलती होती है, तो ध्यान रखना है वेज वाले को डैश वाले को हाथ भी मत लगाओ, मतलब ये वाला उधर वो वाला इधर, ये फ्लोरीन राइट में, ये हाइड्रोजन लेफ्ट में, ये क्लोरीन राइट में। देखिए एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जो सर्किल लगा रखे सारे सारे वेज पे हैं, इनके साथ क्या होगा, इनको पलट दिया जाएगा। देखिए एच मुझे लेफ्ट में दिखता है, मुझे अब राइट में दिख रहा है, ये एच मुझे राइट में दिखता है, ये मुझे अब लेफ्ट में दिखाई देता है, ये फ्लोरीन आपको राइट में, ये फ्लोरीन आपको लेफ्ट में दिखता है, इसको राइट में ले गए, एच वाला राइट में दिख रहा था लेफ्ट में आया, ये क्लोरीन राइट लेफ्ट में था, ये क्लोरीन लेफ्ट में था, इसको राइट में ले गए, तो ये जो बन गया ये क्या बना है हमारा, फिशर बन चुका है। फिर वही वाली बात, 180 पे रोटेट कराऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 180 पे रोटेट कराने से फिशर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं, सेम फिशर को बता रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये केस मैंने लिए, जबकि आप मान सकते हैं कि हमने हर बार प्रायोरिटी वैलेंसीज को सिंपल लाइन पे प्लेस किया, वेज डैश पे नहीं लाए, कभी ऐसा हो जाए कि मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स इस प्रेजेंट एज वेज एंड डैश, मतलब कि जिसको प्रायोरिटी में रखना था, जिसको ऊपर लेके आना था, या बोल सकते हैं जो वर्टिकल पे आने वाले हैं, अगर वो कभी वेज और डैश पर चले जाएँ तो हमको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले वही स्टेप जो हम चलते आए वो करनी है, एंड में हमें इंटरचेंज करना होगा, तो इंटरचेंज मेथड सीखेंगे हम, यहाँ पे क्या सीखेंगे, इंटरचेंज मेथड। तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एल्डिहाइड और सीएल जो कि मेरे लिए प्रायोरिटी पे थे, हम एल्डिहाइड की बात ही करेंगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और हमेशा इनको कह रखते हैं वर्टिकल पे प्रेस करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वेज और डैश पे हैं, लेकिन इनको लाना कहाँ था हमें, इनको हमको लाना था, आप समझ सकते हैं कि इनको हमें लाना है कहाँ पे, वर्टिकल पे। तो देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, वही वाला एक काला सेंटर हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल पे प्रेस करा बी आर को, एम ई को, सी एल सी एच ओ, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मुद्दा जो मेन हमारा टॉपिक है ना, या जो मेन हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इस बारे में, लिखिए देखिए यहाँ पे कि टू प्लेस कार्बन कंटेनिंग प्रायोरिटी ग्रुप एट वर्टिकल लाइन फॉलो इवन इंटरचेंज मेथड, मतलब इवन इंटरचेंज मेथड क्या होता है इसके बारे में अभी बताने वाले हैं, और ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट आर एस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डू नॉट चेंज आर एस कॉन्फ़िगरेशन, कभी भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज मत होने दो। तो कैसे चेंज होता है वो बताऊंगा, कैसे चेंज नहीं होता वो बताऊंगा, दोनों में हम कंपेयर करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए जब इंटरचेंज कर रहे हैं, और इंटरचेंज करने के लिए इवन मेथड यूज़ करते हैं, इवन इंटरचेंज मेथड। देखिए सी एल बी आर एम ई सी एच ओ, ये मॉलिक्यूल आ चुका है, हम पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये आर है कि एस है। आर एस चेक करने के लिए वन प्रायोरिटी किसके बेसिस पे दिए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिए, 1 2 3 और 4, फोर वाला वर्टिकल पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है वर्टिकल पे, तो मतलब जो दिखेगा वो सही है, वो सत्य है, मान लेंगे। घुमाया वन से लेके टू की तरफ, वन से लेके टू की तरफ दिखता है मुझे एस, तो मतलब अब मेरा कॉन्फ्यूजन फिक्स है कि इस फिशर में एस बन रहा है, तो मैं कितने भी इंटरचेंज कर लूँ मुझे ध्यान रखना है कि मुझे एस को चेंज नहीं करना, या एस का एस ही रहना चाहिए। बात करते हैं आगे, स्टार्ट करा यहाँ से, देखिए स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था पहले स्टेप में, हमने बना लिया एस है, इंटरचेंज कर रहे हैं हम किस में, इस बी आर में और इस क्लोरीन में, मतलब बी आर क्लोरीन की जगह आने वाला है, क्लोरीन कहाँ आएगा, बी आर की जगह आ जाएगा। फिर देखिए 90 के चेंज पर हमने ऐसा कुछ बना लिया, बी आर नीचे आ गया, सी एल यहाँ आ गया। अच्छा अब बात करते हैं अगर ये एस है और 90 का चेंज इवन तो नहीं हुआ, ऑड हुआ, एक ही बार तो चेंज किया, इवन का मतलब होता है दो बार चेंज करो, चार बार करो, छः बार करो, ऑड होगा एक बार करोगे, तीन बार करोगे। अच्छा और चेंज किसको करना होता है, हर बार दो अलग मॉलिक्यूल को चेंज करना है, जैसे हमने इन दोनों को लिया, अब चेक करते हैं यहाँ आ क्या रहा है, यहाँ आर आ रहा है, ये एस है, अपोजिट आ गया,
मतलब दोस्तों 90 के चेंज करने पर फिशर का कॉन्फेशन पलट जाता है, तो हमें एक चेंज नहीं करना। फिर से हम क्या करेंगे, अब CLCHO को हमारा मोटिव क्या है, मोटिव क्या है हमारा मुद्दा, इसको कहाँ लाना है, इसको लाना है वर्टिकल पर। पहली बार में क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि अगर पहली बार में ले आता तो चेंज होता 90 का। दो बार में लाना है, पहली बार में इन दोनों को हिला गया, फिर इसका यहाँ दोनों चेंज कर लिया। कोई बोले कि सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको इसको चेंज कर दो, कभी नहीं करना। इसको आप 90 का इंटरचेंज नहीं बोल सकते, ये 180 का इंटरचेंज है, और 180 का इंटरचेंज अलाउ नहीं है। क्यों, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं ना, SCR बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो चेंज करने कितने के, 90 के चेंज कितने करने, इवन करने हैं, दो करो, चार करो, छः करो, लेकिन एक मत करो, तीन मत करो, पाँच मत करो। पहला चेंज करा, ये बना लिया, फिर इन दोनों में चेंज करा तो ये बन गया, LDH ऊपर चला गया, CL नीचे आ गया। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, CHO और CL, BRME ये S बन चुका है क्या, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये कि अब इनके बारे में कमेंट क्या आ रहा है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में है। मतलब आपने अल्टीमेटली आपको जो चाहिए था हो गया, और क्या नहीं बदला, मतलब आप बोल सकते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। S से S बना लिया, लेकिन चेंज जो हमें करना था LDH पे ले गए, S का S रहने दिया। ये फिशर को चेंज करने का सही तरीका है, इवन इंटरचेंज मेथड। 90 के दो चेंज करने हैं, कभी 180 का एक चेंज नहीं करना। मतलब सीधा आप एक 180 पे घुमा नहीं सकते, अगर आप 90 का एक चेंज किया तो आप गलती से या जाने अनजाने में आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे, अपोजिट ले जाएंगे। सही कॉन्फ़िगरेशन तब माना जाता है जब कुछ चेंज ना हो और बस मॉलिक्यूल या एटम या ग्रुप्स ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ मेंशन भी किया है कि मेकिंग इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज एट 90 डिग्री डू नॉट चेंज एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा मैं आपको बता रहा था वही चीज़ यहाँ मेंशन है। तो दोस्तों ये था हमारा फिशर कन्वर्जन, ये बोल सकते हैं कि कैसे वेज डेस्क से फिशर पर लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा, और मुझे पता है दोस्तों इसके बाद आपको कभी कन्वर्जन में वेज डेस्क से फिशर में लाने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहे कोई प्रोजेक्शन दिया जाए, चाहे न्यूमैन हो या सोहर्स हो या वेज डैश हो, आपको फिशर में ला के ही सॉल्व करना पड़ता है। तो दोस्तों फिशर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस करें, वीडियो को फिर दोबारा देखें, अपने दोस्तों को जिनको प्रॉब्लम आती है आपके साथ, उनको लगता है उनको भी ज़रूरत है, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो। ठीक है, और कोशिश करिए कि जितनी वीडियो फंडामेंटल पे अपलोड हो रही है उनको देखिए, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइए, आप मेल कर सकते हैं हमें या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए। डेफिनेटली बहुत जल्दी वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।